प्राप्त करने के लिए जाती है। खासतौर पर सड़क है, बिजली है, स्वच्छता का है, स्ट्रीट लाइट का है। आज आप देख रहे होंगे 2017 के पहले जितनी भी स्ट्रीट लाइट होती थी बेतरतीब हैलोजन लगे रहते थे, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। आज आप जाइए किसी भी महानगर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछली सरकारों ने बिजली देनी बंद कर दी थी इसलिए उनके लिए स्ट्रीट लाइट का कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि जब बिजली नहीं आएगी तो लाइट चलेगी कैसे। वे बिजली नहीं देते थे, लाइट चलती नहीं थी, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि ये सब एक जैसी लाइट लग जाएगी तो इसका प्रभाव होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, दुधिया कलर की आपको पूरे महानगर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब केवल बड़े बड़े महानगर ही नहीं, छोटे छोटे नगरों में भी और गांवों में भी एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें न केंद्र को पैसा देना पड़ा, न राज्य को पैसा देना पड़ा, न स्थानीय निकाय की संस्था को पैसा देना पड़ा। ये बिजली की जो बचत हुई हैलोजन से, उस पैसे से, बचत पैसे से ये लाइट लगी हुई है, यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। यही है, हम पैसे बचत भी करते हैं, जनता को बेहतर सुविधा भी देते हैं। और यही तो कार्य है जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से जो कार्य हुआ। पटरी व्यवसायियों को कोई पूछता ही नहीं था, पहली बार पीएम स्वनिधि बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 1 करोड़ से अधिक पटरी व्यवसायियों के हितों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की सुविधा दी और डिजिटल पेमेंट के साथ उन्हें जोड़ करके उनके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया। कोई सोचता था गरीबों के लिए आवास मिलेगा? अब तक हम उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करा चुके हैं, 2 करोड़ 70 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। और भाइयों बहनों, अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा 8,62,000 से अधिक आवास फिर से आ गए हैं जिसे हम गरीबों को वितरण करने जा रहे हैं। यानी हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने का पुख्ता व्यवस्था यह भी किया गया है। 2 करोड़ युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये नौजवानों को उत्तर प्रदेश के जो सिटी ही स्मार्ट नहीं होगी, हमारा युवा भी स्मार्ट होगा। और उस युवा स्मार्ट नौजवान के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की व्यवस्था के साथ साथ उसके कैरियर काउंसलिंग के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हर एक जनपद के अंदर फ्री में। और इस बार तो अभ्युदय कोचिंग में उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा संपन्न हुई उसमें 43 नौजवान केवल अभ्युदय कोचिंग में, जिन्होंने कोचिंग की थी वहां से वो उनका सिलेक्शन हो गया। यानी आप देख रहे होंगे आज नौकरी के लिए सेफई खानदान वसूली के लिए नहीं आ सकता है, नहीं तो पूरा खानदान महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे। कहीं चाचा जाता था, कहीं भतीजा जाता था, कहीं कोई और जाता था और पूरे प्रदेश में नौकरी के नाम पर वसूली करते थे। आज भाइयों बहनों, उनकी छुट्टी, आज तो प्रदेश के नौजवान को, उत्तर प्रदेश के नौजवान को नौकरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं।